अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 67 न्यूज़ एडी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान नदीम अवार्ड। और नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आवाम से करेंगे कुछ खट्टी मीठी बातें, जैसा कि 2000 में पैदा होने वाला शख्स 1992 में कैसे फौत हुआ। ना जवाब देने वाले से होगा सॉन्ग या फिर डेयर। तो आ जाए तुलबा आवाम से गुफ्तगू करते हैं। अच्छा, मुझे एक ना मुझे एक सवाल का जवाब दें, 2000 में पैदा होने वाला शख्स 1992 में कैसे फौत हो सकता है? ये तो आपको ही बताओ, सवाल आपने किया है। नहीं, फिर भी कोई जवाब जो आपके जहन में फ़नी सा जवाब हो। यार फ़नी सा कोई चुतेपा वाला, सियालकोट वाला ये सीन तो ना करो आप। नहीं नहीं, फिर भी अगर आपको कोई भी जवाब, 2000 में पैदा होने वाला शख्स 1992 में कैसे फौत? यार जब वो पैदा ही नहीं हुआ तो फौत कैसे होगा? नहीं नहीं, पैदा हुआ है वो, मगर 1992 में फौत। आप बताओ ना, आप 1998 में पैदा होते हो। चले मैं इसका आंसर जो है ना आपको कान में बताऊँगा। आप हमें सॉन्ग सुनाएंगे या कोई डेयर? यार जो आपने सुनना होगा सुन लेना। चले आप हमें सॉन्ग सुना। कौन सा सॉन्ग सुनाऊँ? कोई पंजाबी लगदा सुना दो सॉन्ग। यार कोई तुसी जेड़ा दसोगे सुना देंगे। इंग्लिश सॉन्ग है ना जी? यार पंजाबी, इंग्लिश, चाइनीज जेड़ा सुनना दसो। चलो कोई एक सुना दो, दो लेना सुना। टाटा केड़ा पसंदीदा? मेरा बैड लायर वाला सुना। चलो दाल नाल गाने दोगे फिर। चलो ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? सवेरा अशरफ। डिपार्टमेंट? ऑप्टोमेट्री। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल का जो है ना वो जवाब जानना चाहता हूँ, फ़नी सा होना चाहिए जवाब। 2000 में पैदा होने वाला शख्स 1992 में कैसे फौत होता है? बस अल्लाह की मर्ज़ी। नहीं नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी नहीं, अल्लाह ने उसे पैदा कर दिया, फौत भी कर दिया, मगर कैसे फौत हुआ? 2092 में? 2000 में पैदा हुआ, 1992 में फौत हो गया। वो बैग में जाके कैसे मर सकते? 2000 में तो पैदा हुआ है। हाँ तो 2000 में पैदा हुआ तो 1992 में कैसे फौत होगा? 1992 में हो ही नहीं सकता। अच्छा, अगर आपको इसका जवाब आता तो मैं आपको 100 रुपया दूंगा, अगर ना आता वो आपने मुझे 100 रुपया देना। मेरे पास नहीं। नहीं, इस तरह कर लेते हैं, आप मुझे 100 रुपया दें। ठीक है, दे दूंगी, मुझे आता नहीं इसका। आपको जवाब नहीं आता, आपने मुझे 100 रुपया देना। ठीक है, दे देती हूँ, मुझे आंसर नहीं आता, मैं दे देती हूँ। चले ठीक है, पहले 100 रुपया निकालें। नाज़रीन, हम 100 रुपया लेने लगे हैं, ये देखिएगा, हम जो है ना वो 100 रुपया लेने लगे हैं, ये 100 रुपया। आपको वाकई आंसर नहीं? नहीं। अब एक राज की बात बताऊँ, वो जो 2000 था ना वो कमरा नंबर था, और 1992 में भी कमरा नंबर था। अच्छा, आप हमें सॉन्ग सुनाएंगी या क्या कुछ? मैं अभी फर्स्ट हूँ, मुझे इतना खास नहीं बताया तो कुछ भी नहीं। अच्छा, आप फ्रेश है? चले ठीक है, थैंक यू। इधर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सैयद अबू बकर। डिपार्टमेंट? एमएस। एमएस। अच्छा, मैं आपसे एक जो है ना वो सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ, 2000 में पैदा होने वाला शख्स 1992 में कैसे फौत हो चुका? 2000 में पैदा और 1992 में फौत हो गया। अच्छा, 2000 में वो पैदा हुआ है और 1992 में, हो सकता है ना आपने डेट उसकी गलत लिखी हो? नहीं, डेट उसकी बिल्कुल सही है, पैदा ही 2000 को। पैदा 2000 में। और यार देखो, 1992 में फौत हो गया, बताओ कैसे? 1992 में फौत हो गया है, 2000 में पैदा हुआ था, तो हो सकता है उसका बाप फौत हुआ ना 1992 का। नहीं, नहीं, बाप नहीं फौत हुआ, बच्चा ही। नहीं नहीं, बाप हुआ भाई, बच्चा कैसे हो गया, बच्चा पैदा ही 2000 में। अच्छा, अगर बच्चा पैदा हुआ तो मैं जीत गया तो आप मुझे 100 रुपया दोगे? आप जीत गए तो मैं खुले पैसे रखता ही नहीं, सबसे बड़ी बात। चले, कितने पैसे आप? तो उतने मैं आपको दे भी नहीं सकता। नहीं, कितने? नहीं नहीं, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह वादू पैसे हैं। कितने हैं फिर भी अंदाजे से? बड़ा नोट कम से कम 1000 रुपये का तो होगा। मुझे तो पीछे बैंक नज़र आ रहा है। वाओ वाओ। अच्छा, आप कितने पैसे आप? 4-5 हज़ार तो होगा, इससे ज़्यादा ही। 7000 का नोट है? 7000 वाला नोट अब्बा जी ने भी छापा नहीं है, छापेगा तो लाजमी देंगे। 5000 वाला है? मैंने कहा 1000 वाला है। 1000? हाँ, 4-5 हज़ार, 5000 वाला होगा शायद। चले ठीक है, आपको फिर हम कैफे से चेंज ले देंगे, मगर आप 100 रुपया देंगे? 100 रुपया यार बहुत बड़ी अमाउंट है, मैं आपको कैसे दे दूँगा? कितने देंगे? 5 रुपया दूंगा मैं आपको। ठीक है, आपके पास? हाँ ठीक है, बात। चले ठीक है, आप हमें डांस करके सिखाएंगे या गाना? ना डांस ना गाना।
कुछ भी। मैंने आपको अपना नाम बताया सैयद अबू बकर, मेरे अब्बा जी ने डांस या गाना देख लिया ना, उन्होंने मुझे घर से निकाल देना। हाँ तो फिर रहूँगा कहाँ मुझे, जब आप पैसे दोगे तो वो तो फिर खुश होंगे ना, मीडिया के अंदर बच्चा है, चलो जी पैसे हो। नहीं उन्हें इस बात का और गुस्सा आएगा कि बच्चा मीडिया के अंदर क्या कर रहा है। नाज़रीन ये ना पैसे दे रहा है, ना डांस कर रहा है, ना गाना सुना रहा है, इसे मनवाते हैं आ जाए। नहीं पैसे मैं दे रहा हूँ 5 रुपये, कितने 5 रुपये चाहिए? नहीं हमें 100 रुपये ही चाहिए। नहीं 100 नहीं 5 मिलेंगे। अच्छा जी जेब के अंदर 1000 रुपया रखा है, दे 5 रुपये रहिए, देखिए साहब को। ये भाई साहब जिसके पास जितने ज़्यादा पैसे। चले आप अगर मुझे जवाब दे देंगे ना, आप मुझे जवाब दे दें, मैं आपको 100 रुपया दे दूंगा। मुझे सोच में 1000 रुपये, मैंने 100 क्या करना? देखिए मैंने इतनी बड़ी ऑफर की है, 100 रुपये आपको दे। मेरे पास 1000 है, मैंने 100 क्या करना, मुझे ये बताओ मेरे लिए 100 मतलब क्या वैल्यू, मेरे पास 4-5 हज़ार रुपये। हाँ तो आपके लिए 100 की वाले 1000 निकाल दो रखिए। नहीं नहीं आने के लिए जाने के लिए तो बहुत वैल्यू है। अच्छा जाने के लिए फिर भी क्या जवाब हो सकते हैं यार? चल एक आपको एक और मौका देते हैं, अगर आपने उसका जवाब दे दिया तो ठीक है आपको 100 रुपया मैं दूंगा, अगर आपने फिर भी ना जवाब दिया फिर आपको लाजमी देना पड़ेगा 100 रुपया। एक और मौका, वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आसमान से गिर जाती है मगर नीचे नहीं आती? आसमान से गिर जाती नीचे नहीं आती? नज़र? नहीं मोहम्मद नज़र? नहीं अच्छा मोहम्मद नज़र भी नहीं है, नज़र भी नहीं है, आसमान से गिरी है ज़मीन पे नहीं आई? ज़मीन पे आई नहीं। तो दिखाई सबको देती है? आती हुई? क्या आ रही है? अगल जो आप भाई मैं पूछ रहा हूँ कि आती हुई आ रही है नज़र के नीचे आ रही है पर ज़मीन पे नहीं गिर रही? नज़र आती है सबको मगर ज़मीन पे नहीं गिर रही। रोशनी? नहीं नहीं ये भी गलत। बड़ा आसान सा यार, क्या हो गया? हवा, रोशनी, पानी, फिर के ऊपर वाली मखल हो गया जो नीचे से आ रही है पर नज़र नहीं आ रही। चले आप 100 रुपया निकाले ना फिर आपको जवाब का भी बताते हैं। सुबह है ही नहीं। नहीं नहीं आप जितने हैं मुझे दिखाए ना। ये देखिए आप अपनी बात से नाज़रीन जो है ना ये वहाँ मुकर रही है। है ही नहीं, 100 दूंगा मैंने ये कहा, बट ये नहीं कहा कि मेरे पास 100 है और अभी दूंगा। 100 तो है ही नहीं, 1000 वाले या 5 रुपये हैं। अच्छा आप कैफे चलते हैं वहाँ 100 देंगे? कैफे वाले के साथ मेरी लड़ाई होती है, कैफे में जाता ही नहीं। हम ले आते हैं भाग जाएं फिर। हमारे मेंबर्स हैं ये, मुझे आप माइक दे जाओ अपना, फिर जाओ तो ले आओ आप हमारे साथ। नहीं मैं कैफे में लड़ाई हुई, मैं कैफे की तरफ मुंह नहीं करके बैठता। अच्छा नाज़रीन आप ये मुझे शेख लग रही है, क्या नाम है आपका? शेख नहीं सैयद। अच्छा सैयद साहब है मगर मुझे शेख सुनाई दे रहा बार बार। वो मेरा उठना बैठना शेखों के साथ है ना दरअसल। नहीं फिर भी अच्छा तीसरा मौका देते आप। वो ऐसी कौन सी चीज है जो चलती तो रहती है मगर बैठती कभी नहीं? ट्रेन? नहीं गलत भाई। वो भी अच्छा जो वो जानदार चीज़ है, चलती रहती है मगर बैठती नहीं। ट्रेन जो है ना वो रुक जाती है तो मतलब बैठ जाती है। अच्छा यानी कि चलती रहती है और बैठती भी नहीं है। वैसे बैठने के काबिल है अगर चाहे वो तो बैठ सके। बैठने के काबिल है मगर वो बैठती नहीं है, जानदार है वो। अच्छा चलती रहती है पर है हवा भी चलती रहती है। अगर आपको जवाब आ गया तो आपको 200 रुपया दूंगा, अगर ना आया तो आप हमें 100 ही देंगे। आपको फिर भी लेस कर रहा हूँ देख ले, बस हिम्मत करें आप। 50% फ्लैट डिस्काउंट है, चलती रहती है। मैंने आपको 200 की ऑफर कर दिया, पहले आप मुझे 200 दिखाओ। 200 है आपके पास? हाँ मेरे पास है, आपको वॉलेट दिखा देते हैं। नाज़रीन हमारा वॉलेट चेक करना चाह रही हैं, ये देखिए वॉलेट है हमारे पास। वॉलेट तो मेरे पास भी है, वॉलेट तो मेरे पास भी है। आपको 100 दिखा देते हैं, 100 ये है, 100 और निकाल देंगे हम। नाज़रीन ये देखिए, मैंने कहा आप हमसे 200 ले लें ठीक है और जवाब हमें बता दें, मगर अब ये हमें अगर जवाब नहीं दे सकेंगे तो ये हमें 100 रुपया दें। यार मेरी बात सुनो, आपने ये बात वीडियो बनाने से पहले बताई है कि 100 रुपया देना लेना है। अच्छा जी वीडियो बनाने से, अगर वीडियो बनाने से पहले बता दी जाती तो बात ना रहती। हाँ नहीं नहीं 100 वाली बात बताते तो हो सकता है मैं। अच्छा 100 वाली बात बताते तो फिर ये रफू चक्कर होते ऐसे, फिर मैं सोच समझ के आता ना उस हिसाब से। अच्छा सोच समझ के आते ताकि 100 ना देना पे। हाँ जाहिर सी बात है, अब कौन चाहेगा कि एक फजूल के सवाल का जवाब दे के बाद 100 रुपया दे के और फिर गायब हो जाए। 30 रुपये का जो है ना एक सवाल किया 3 सवाल, अब 10 रुपये वाला सवाल करते हैं। अगर आपने उसका जवाब दे दिया तो आपको 100 माफ़, मगर आपको जो है ना वो 200 नहीं मिलेगा ठीक है? 100 माफ़। वैसा कौन सा दरख्त है हमारे पाकिस्तान में जिसे देखते हैं मगर वो बंद हो जाता है? देखते ही बंद हो जाता है? देखते ही इंसानी आंखों से देखिए तो वो बंद हो जाता है। नहीं मतलब कैसे बंद होता है? ज़मीन खुलती है के तौर पे आप दरख्त है ना। हाँ। मैंने आपको देखा तो आप ऐसे बंद हो गए। नहीं ये यानी कि ज़मीन खुलती है और उसके अंदर जा गए, ये वाला सीन नहीं है। पत्ते सब कुछ बंद हो जाती है, नहीं वापस में इस तरह हो जाता। चले वो 10 रुपये वाला सवाल है ठीक है। वो दरख्त है कि पौधा है? दरख्त है वो। सही लंबा वाला? जी लंबे वाला। हाइट कितनी है उसकी? फायदा देखिए ही। हाँ ओदा अद्धा ला रहा है सफेदे का, अद्धा सफेदा होता है 12-14। हमने 3 सवाल किए 30-30 रुपये वाले, अब 10 वाला हमने सवाल किया देखते हैं इसका आंसर आता है। टोटल 4 सवाल 100 रुपये में।
इनको ये भी कहा गया अगर जवाब दे दिया तो 200 रुपया मैं दूंगा, अगर ना दिया तो 100 रुपया ये देंगे। चले भाई जान, ऐसा कोई दरख्त होता ही नहीं, आप अपने पास से सवाल। ऐसा दरख्त है, ये आवाम इकट्ठी होगी है, मगर इसका जवाब जो है ना, चारों का जवाब मैं दूंगा कान के अंदर, ताकि इन सबसे भी जो है ना वो सवाल जो है ना वो पूछा जाए। चले यार देखो मेरी बात सुनो, ऐसा अगर दरख्त हो, ऐसा दरख्त है भाई, ऐसा दरख्त, पहले तो आप ये प्रूफ करना कि दरख्त है, मैं आपके कान में जवाब दूंगा तो दो अभी आपको अपनी लैब में भी दिखाऊंगा। चले यार देखो, हमारा इन जानवरों परिंदों से कोई ताल्लुक ही नहीं, डिपार्टमेंट हमारा MS है, कोई बैंकिंग के थ्रू या ऐसा कोई क्वेश्चन करो। चलो अच्छा, बैंकिंग है आपका। चले आपसे जो है ना, अब आपको 200 रुपया देना पड़ेगा यार, ये देखो ना भाई लाइन में आ गए। नहीं, आपको पैसे देने पड़ेंगे। अब आप देखे, आप अपनी बात समझ रहे, चार मौके दिए, चारों मौके के अंदर ये जो है ना ये नीचे हो गए। नहीं, आपसे भी बाद में बात करते हैं। 200 रुपया ये देगा? नहीं, वो कबाब में हड्डी बन रहा है ना, उधर देखो कबाब में हड्डी बन रहा है, इधर आओ, ये कबाब में हड्डी बन रहा है। जी, क्वेश्चन पूछे क्वेश्चन आपसे पूछा मैंने। नहीं, अभी आपने कहा बैंकिंग वाला पूछूंगा आपसे। अच्छा, बैंकिंग वाला। दुनिया के अंदर ऐसा कौन सा फास्टेस्ट शख्स है जो थूक लगाए बगैर पैसे गिनता है, उसका नाम बताए? जॉन इलियास। नहीं, गलत भाई है। नहीं, गलत। मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे आपका है हमारा भी है, है ना, है ये। ऐसा नहीं है, शख्स है, फेमस है, आपको पता है उसका, मगर आपको नाम नहीं याद। भाई मैंने बताया ना आपको। नहीं, ऐसा आप जिसको जानते हो, टीटो पार्टियां लगा रहे हो, कोई बात नहीं है। ये टीटो पार्टियां आपके हरिया लगा रहे हैं, बताए? नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा नादिन, 5 सवाल किए, 5 सवालों के अंदर जो है ना इन्होंने हमें जो है ना वो बिल्कुल 0 जवाब दिया है। हमने क्या नाम है आपका? सैयद। हमने सैयद साहब को ऑफर की थी कि आप अगर जवाब सही देंगे तो हम आपको 200 रुपया देंगे, ठीक है, अगर आप गलत देंगे तो आप हमें 100 रुपया देंगे। एक सवाल 100 रुपये का था, मगर इनको 5 मौके दिए गए, 5 मौकों के अंदर इन जो है ना हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, और इनके पास हम जो है ना वो अब 100 रुपया लेने लगे हैं। माशाल्लाह, इनका जिगरा जो है ना वो बहुत बड़ा है। अभी आप देखेंगे कि ये 100 रुपया सबके सामने निकाल कर ना हमें दिखाएंगे। चले, आपको लाइव जो है ना वो पूरी दुनिया देख रही है, दिखाएं लाइव। शाबाश, निकाले भाई जान। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 100 मैं रखता ही नहीं हूँ। चले, किसी से ले ले, किसी से मांग ले। 100 वाला नोट रखना, किसी से मांग ले। तो 100 रुपये निकाले यार, जल्दी करो। मैं 100 वाले नोट का प्रिंट, बेचारा फंस गया जूर, अने कहना मैं कितने फंस गया यार। ऐशा देखो जरा इधर, कैमरा करे इधर। मेरी बात सुनो ना, आपने मुझे 100 रुपये कहा कि मैं आपको 100 दूँ, और मैंने आपको शुरू में कहा है 100 मैं रखता ही नहीं हूँ, मेरी शान के खिलाफ है 100 रखना। अच्छा, शान के खिलाफ 100 निकालना, अबू बकर, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा टाइम। अच्छा, ये भाग रहे हैं, हमें 100 दे के नहीं जा रहे नाजरीन। आप जरा अपनी कैमरे के अंदर शक्ल दिखाएं, आपको पूरा पाकिस्तान देख रहा है। मैं आपको 100 दूंगा, आप हवेली पे आओ हमारे। नाज़रीन, आपने देखा कि अवाम जो है वो किस तरह शुगल मेला लगाई रखती है, मगर सैयद साहब जो थे वो अपनी बात से मुकर गए, वो अपनी बात